सो है गाइस, पॉइंट न्यूज़ के एपिसोड 25 पर आपका स्वागत है। फाइनली आज हमने अपनी इस सीरीज का एक क्वार्टर कंप्लीट कर लिया है, सो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। मतलब वार्नर डिस्कवरी डीसी से लेकर डिज्नी इंडिया स्टार तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम जरा ये देखो, इसको देख रहे हो, ये हमारे ही यूट्यूब चैनल की सोशल मीडिया वाली औलाद है जिसको हम बुलाते हैं हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया। ये टोटली हॉलीवुड डेडिकेटेड पेज है एंड इस भाई साहब को देख रहे हो, ये है जॉन कोहेन। ये हॉलीवुड एनिमेशन मूवीज के प्रोड्यूसर और राइटर है। ये जितने मूवीज के नाम पढ़ रहे हो ना, सबके राइटर यही भाई साहब हैं। और बढ़ाई तो नहीं मारूंगा, लेकिन भाई साहब ने कमेंट किया है हमारे पेज पे। हाँ मानता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हॉलीवुड के लोग हमारे पेज पे आते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, तो आप सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पेज को फॉलो कीजिए, FB पे भी फॉलो करो, आई एम श्योर कि आपको पेज पसंद आएगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद वीडियो। तो यार सबसे पहला अपडेट निकल के आता है ब्री लार्सन से। तो खुद अपने विन डीजल भैया ने इंस्टाग्राम पे कंफर्म कर दिया कि ब्री लार्सन भी फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में होंगी, जो कि फास्ट फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी होने वाली है। तो धमाके तो होने पक्के हैं बॉस। पर यार हिंदी डब्स लवर के लिए एक निराशाजनक बात है, मोहन कपूर, ये बंदा डॉक्टर स्ट्रेंज को 2016 से वॉइस देता आ रहा है, एंड मुझे और आपको कहने की बात नहीं है कि क्या वॉइस दी है सर ने। क्षण के लिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही हिंदी बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये डब नहीं करने वाले हैं। इन्होंने कारण तो नहीं बताया, पर बहुत दुख लगा यार सुन के। कारण कुछ भी हो सकता है, अभी ये मिस मार्वल की शूटिंग तो वैसे खत्म हो गई है, ये मिस मार्वल में भी अपीयर हो रहे हैं, तो शायद ऐसे हो सकता है। यार कभी कभार बंदा खुद ही रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होता है, जैसे मैं हूँ, इसलिए अगला पॉइंट न्यूज़ का एपिसोड आए ना आए। लेकिन अब बेनेडिक्ट कम्बरबैच के वॉइस आर्टिस्ट होंगे सर सम्मे ठक्कर। ये काफी अच्छे वॉइस एक्टर हैं, अपने हल्क को यही वॉइस देते हैं, बट डॉक्टर स्ट्रेंज को अब ये मूवी में देंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। और हिंदी डब से याद आया, ग्रीनलैंड मूवी अब हिंदी में डब हो चुकी है और लॉयंस गेट प्ले पर स्ट्रीम कर रही है। ये मूवी कोविड की वजह से फट हो गई, लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मूवी भी मैंने सुना अच्छा है, तो जाके देख लेना। अब मार्वल पे आए तो अपकमिंग डिज्नी प्लस की सीरीज मिस मार्वल से एक ये स्टिल रिलीज कर दिया गया है। मार्वल की वो चीज जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, हम सबको इंतजार का ट्रेलर, भैया इतने क्लोज आ चुकी है मूवी की रिलीज डेट और अभी तक एक पोस्टर छोड़ो ट्रेलर भी नहीं आया। लेकिन उसी पे डिज्नी के एक एम्प्लॉय ने कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी इस आने वाले मंडे को यानी 18 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। एंड मैं तो श्योर हूँ शायद यही डेट होगी, ये नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता, डिज्नी का किसी को घंटा कुछ नहीं पता। बट रिसेंट में थोर के हिंदी डब आर्टिस्ट ने ये तो बता ही दिया था इंस्टाग्राम पे कि ट्रेलर डब हो चुका है, तो भाई फेयर इनफ, मंडे को ही ट्रेलर्स आते हैं, तो इस मंडे को ट्रेलर आ रहा है, डिज्नी का एम्प्लॉय कह रहा है ना, तो आ रहा है। क्रिस्टोफर नोलन के ओपनहाइमर के बारे में बात करें तो किलियन मर्फी और RDJ यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सेट इमेजेस आए हैं। करंटली ये मूवी की शूटिंग न्यूयॉर्क में चालू है एंड RDJ अपने पूरे बुढ़े हो रखे हैं, बिल्कुल एल्फ्रेड का स्टाइल। इवन जब मैंने पहली बार जस्टिस लीग और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी थी, एल्फ्रेड को देख के लगा था ये तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, पर ऐसा नहीं था। जुरैसिक वर्ल्ड डोमिनियन से एक न्यू ब्रांड न्यू पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और वहीं पे टॉबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड एक मूवी देखते हुए पाए गए हैं थिएटर में। यार ये स्पाइडी ब्रोस का भाईचारा कितना है। वैसे मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट नहीं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड IMDb इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, कैसे देखोगे बताएंगे। यार जैसे कि आप सभी को पता होगा, ब्लू स्काई स्टूडियोस, इन्होंने आइस एज जैसी फ्रेंचाइजी निकाली है एंड डिज्नी ने इनको बंद कर दिया था पिछले साल फरवरी में, जहाँ पे ब्लू स्काई के सारे ऑपरेशंस बंद हो गए थे। लेकिन जाने से पहले ब्लू स्काई ने अपना एक लास्ट प्रोजेक्ट किया था स्क्रैच। स्क्रैच ये आइस एज का सबसे फेमस करेक्टर है जो डम्ब है, ये अपने नट से प्यार बहुत करता पर अपना नट कभी खाता नहीं है। तो डिज्नी ने ब्लू स्काई स्टूडियोस और स्क्रैच दोनों को ट्रिब्यूट देने के लिए एक मस्त ये वीडियो जारी किया है, आप लोग देख लो।
आज का सबसे मेजर और सबसे फाइनल अपडेट है डीसी से। तो भैया एक ब्रांड न्यू डीसी आने वाला है, तैयार रहो। तो यार जब वैरायटी ने डेविड ज़ेस्लोव, ये वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के नए सीईओ हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, यही सारा कारोबार संभालेंगे। और इनसे जब डीसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो, सुपरमैन जैसे बड़े कैरेक्टर्स को करंट डीसी यूनिवर्स में वेस्ट कर दिया गया, तो उनको दोबारा से अच्छी तरह वापस लाने की जरूरत है। और वहीं पे सेकंड ग्रेड कैरेक्टर्स जैसे कि जोकर, जो कि काफी सक्सेसफुल हुए, उनको और बनाने की जरूरत है, यानी जोकर जैसा कंटेंट और चाहिए। और बल्कि पूरी डीसी को संभालने के लिए एक विजनरी लीडर चाहिए, केविन फाइगी जैसा। सीरियसली ज़ेस्लोव ने कहा, एंड हम सब मानते हैं भैया, डीसी को एक लीडर चाहिए केविन फाइगी जैसा, जो कि जानता हो कि ऑडियंस को चाहिए क्या, कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वैसे इस काम के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार ट्विटर पर टॉमी ली बताए जा रहे हैं। ये कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने पहले डीसी मार्वल की शानदार कॉमिक्स लिखी हैं। और ज़ेस्लोव ने यह भी कहा कि वो पूरा रीवैल्यूएशन टाइप करेंगे डीसी का, मतलब शुरू से लेकर एंड तक दोबारा देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कमी है, क्योंकि ब्रांड की पॉपुलैरिटी तो है पर ब्रांड की डिमांड क्यों नहीं है। बेसिकली ब्रांड वैल्यू की बात है, पर वो हमें उससे क्या लेना देना, वो कंपनी देख लेगी, उनको तो बस अपना यमी यमी माल चाहिए। एंड जाते जाते स्टार टीवी इंडिया फाइनली रीब्रांड हो चुका है डिज्नी स्टार में, एंड आई वॉज लाइक पहले नहीं था क्या। वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे तो अलग से वीडियो बननी चाहिए ना। तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार स्क्रीनशॉट लेके देखो कि आज कौन से प्लेटफॉर्म पे तुम सीरीज मूवीज देखोगे, कमेंट में जरूर बताना।